गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। सपोज वी आर हैविंग अ कैपेसिटर एंड वी चार्ज इट ग्रेजुअली एंड एट एनी इंस्टेंट लेट Q be the charge and V be the potential difference between the plates of a capacitor. Then the capacitance of the capacitor or the capacity is equal to given by Q बटे V. C is equal to Q बटे V. तो यहाँ से V अगर हम निकाले तो V is equal to कितना हो जाएगा? V तो जाएगा, C नीचे चला जाएगा, तो Q divided by C. अब हम ये किसी टर्म में जब एक कैपेसिटर हमने चार्ज किया आहिस्ता आहिस्ता पे, तो एक समय में इतना पोटेंशियल डिफरेंस था। तो अब हमने मान लिया कि इसको हमने थोड़ा सा एडिशनल चार्ज और दे दिया। लेट डी क्यू बी द एडिशनल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर एंड द कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ स्मॉल चार्ज डी क्यू। नाउ द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग दिस चार्ज dW is equal to किसके बराबर आ जाएगा? V into dQ, charge into potential, तो is equal to V की वैल्यू कितना है? Q over C into dQ, इतना आ गया dW। ये आ गया थोड़ा सा वर्क डन कितना हो गया उस कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज देने के लिए। तो अगर उस कैपेसिटर को हमने जीरो से लेकर के क्यों तक चार्ज करना था, तो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम जीरो टू क्यू विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग इट। तो ये डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बटे सी इनटू डी क्यू। अब क्या जीरो से लेकर के क्यू तक इसको हमें चार्ज करना है, जीरो से लेकर क्यू तक चार्ज करना है, विच इज इक्वल टू, अब यहां से ये जो C जो है तो ये बाहर आ जाएगा, 1 by C बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q into dQ विच इक्वल टू 1 by C into, अब Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q की रेशियो में 1 है, तो 1 plus 1 कितना आ जाना है? Q रेशियो में 2 divided by 2। और W इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 1 by C into, अब यहां पर ये इसकी हैं लिमिट्स, तो पहले ऊपर वाली लिमिट लगेगी तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और माइनस फिर नीचे वाली लिमिट 0, ये आएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू, ये आ गया 1 बाय c इनटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द अमाउंट of work which is done to charge the capacitor from 0 to Q, and this work done is stored in the form of electric potential energy inside the capacitor. So energy stored inside a capacitor E will be equal to 1 by 2 into Q square divided by C. अब आपको जब इसके numericals आएंगे उस समय हो सकता है आपको Q और C ना दिया गया हो, तो इसको हम अदर फॉर्म में भी निकाल करके रख लेते हैं। जैसे ये आ गया आपका E आ गया आपके पास, तो हमने कहा कि दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। अब हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तो यहां से जो क्यों किसके बराबर हो जाएगा? V into C, and so this equation first becomes, equation first क्या बनेगी? E will be equal to 1 by 2 into क्यों स्क्वायर की जगह आ जाएगा V C का whole square divided by C, which is equal to 1 by 2 V square C square divided by C, ये square इसके साथ कट गया तो जवाब आ गया 1 by 2 V square into C। एक ये इक्वेशन आ गई। अगर आपको V और C दिया गया हुआ है और आपको
एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकालनी है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा तो अब एक अभी हमने Q की वैल्यू निकाल दी, अब हम C की वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू निकालते हैं, C की वैल्यू पुट करके। अब हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V होता है, तो इस C की वैल्यू आप यहां लगा दीजिएगा एंड देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 * Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C की वैल्यू क्या आ गई Q डिवाइडेड बाय V का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1/2 * Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर नीचे ऊपर आ जाना V स्क्वायर। No. ये इसका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि नीचे तो इसका c है तो इसलिए ऐसे रहेगा, सॉरी ये तो इज इक्वल टू अब ये q इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो जवाब आएगा 1/2 * q * v जी। ये आपके पास तीन तरह की e की वैल्यू आ गई है। अब आप आपको जब इसके न्यूमेरिकल आता है तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी चीज दी गई है। जैसे हम अभी एक एग्जांपल अभी ले लेते हैं, लेट अस सपोज दैट एक एग्जांपल हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट जैसे एक एग्जांपल आपकी एनसेट की बुक में भी है कि एक कैपेसिटर है वो जो है 900 पिको फैरड का और उसको हमने लगा दिया एक्रॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ये आपको सी दिया है या आपको वी दिया है, आपको ई निकालना है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि वी नो दैट, अब जब वी और सी दिया है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला आना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप लिखना वी नो दैट ई इज इक्वल टू 1/2 * वी स्क्वायर सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 * वी स्क्वायर आ जाएगा 100 जब ये 100 * c कितना आ जाएगा, ये 900 पिकोफैरड है। अब 900 पिकोफैरड का क्या बन जाएंगे 900 * 10 रे टू पावर -12 फैरड, तो यहां आ जाएगा 900 * 10 रे टू पावर -12 फैरड व्हिच इज इक्वल टू, अब इसको जो डिवाइड कर लो ये आ जाएगा 10 रे टू पावर 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करते हैं * 90 डिवाइडेड बाय 2 * 10 रे टू पावर -12 व्हिच इज इक्वल टू, जा ऐसा भी नहीं कर सके तो यहां ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही कर लो, ऐसे कर लो ये लो। तो अब ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 4.5 * 10 रे टू पावर, तो ये 12 में से 6 गए आ जाएगा -6 इतने जोड़, तो ऐसे ही एक और आपको दे सकते हैं कि 12 माइक्रोफेरड का एक कैपेसिटर है तो एक क्या, तो एक एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 12 माइक्रोफेरड है और उसको हमने लगा दिया एक्रॉस पोटेंशियल ऑफ 2000 वोल्ट्स, तो आपको निकालना है कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी उसमें स्टोर हुई है। ऐसे ही निकालेंगे कैसे, वी नो दैट ई इज इक्वल टू 1/2 * वी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1/2 * वी स्क्वायर आ गया 2000 * 2000 * सी ये आ गया 12 * माइक्रोफेरड है तो माइक्रो किसके बराबर होता है 10^-6 * 10^-6 तो इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो एक तो यहां पर 2 बचा एक आपके पास 12 बचा एक उसके बाद 10^ कितने बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 * 10^-6 ये वाला ये हो गया आपस में खत्म और ये आ गया 12 * 2 = 24 जूल्स, ये आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे आप कोई भी आपको जो वैल्यू दी गई हो तो आप व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब एक चीज और आती है दिमाग में कि अगर कैपेसिटर दो या दो से ज्यादा सीरीज में लगे होंगे तब एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, और अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो तब एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी। लेट अस सपोज दैट टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। तो हमने एक क्वेश्चन किया था जब हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज में पढ़ा था, तब हमने निकाला था कि नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है। तो अगर आपको याद हो तो वो आया था 1 by C, C plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे इसमें ई की। ई हम जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है 1/2 × आया था क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी आया था शायद, है ना। तो इसमें अब हमारे पास सी तो है, तो अगर हम जो है तो इसके साथ 1/2 क्यू स्क्वायर के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई हमारे पास इधर जाना है। ये इक्वेशन मान लो आप फर्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स बाय 1/2 क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 by CS into 1/2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by C1 into 1 by C2 plus 1 by C3 plus so on into 1/2 क्यू स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 1 by CS into Q² / 2 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई आधार के साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 by C1 into Q² / 2 plus 1 by C2 into Q² / 2 plus 1 by C3 into Q² / 2 plus so on। तो ये आपका आ जाएगा ES, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर व्हेन ऑल दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ये 1 by C1 into Q² / 2 ये E1 आ जाएगा प्लस ये E2 आ जाएगा प्लस ये E3 आ जाएगा प्लस सो ऑन। इट मींस द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए इन 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 अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन ऑल दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर इज इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं व्हेन ऑल दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर व्हाट हैपेंस देन। हम जानते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं उस समय जो नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आया था हमने किया था शायद सीपी इज इक्वल टू C1 plus C2 plus C3 plus so on। तो ऐसा किया था। अब हम ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1/2 × V² C के बराबर होती है, अभी हमने निकाला है। तो हम क्या करेंगे ये 1/2 V² के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाय इक्वेशन सेकंड लिख लो, नहीं तो अगर अलग से इसको अगर आप निकाल रहे हैं तो अगर एक ही क्वेश्चन है तो सेकंड लिख लो, अगर अलग अलग क्वेश्चन है तो फर्स्ट ही लिखेंगे। तो इसको आप 1/2 V² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा CP into 1/2 V² = 1/2 V² into C1 plus C2 plus so on ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 V² into CP = 1/2 V² आप ये वाली ब्रैकेट खोल लो यहां आ जाएगा C1 plus 1/2 V² ये वाला into C2 plus so on ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको अब हम जानते हैं कि जो 1/2 V² into C = E होता है तो ये EP आ जाएगा। इसका मतलब कि नेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर आर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन ऑल दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। तो ये किसके आ जाएगा ईपी इज इक्वल टू ये आ जाएगा E1 के बराबर प्लस ये E2 के बराबर प्लस E3 के बराबर प्लस सो ऑन।
इसका मतलब हो गया, ये देखिए ये वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी सीरीज वाली, दोनों एक ही जैसी आ रही हैं। इट मीन्स इट हार्डली मैटर्स दैट वेदर दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर्स रिमेन्स सेम। वो कैपेसिटर चाहे हम एक दूसरे के साथ सीरीज में लगाएं, बेशक एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाएं, लेकिन नेट एनर्जी स्टोर जो रहेगी वो सेम ही रहनी है, कि इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जितनी एनर्जी है वो सारे सम होके आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इसका आपको लगभग एक आशंका रहती है कि लगभग हो सकता है आपको एक न्यूमेरिकल इसका आपको पूछ ही लिया जाए। सो आई होप अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, लेकिन आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमको पक्का उसको रेक्टिफाई करके आपको उसका हम आंसर देंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।